हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम आपको ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी बढ़िया से समझ में आ सके। तो ये स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना और बैलेंसी निकालना। सबसे पहले क्या करते हैं, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 2, 8, 8 and 2। पहले उपकोष में, पहले कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2 आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी रूल से करते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और उसका जो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 होगा। और यदि हीलियम का करें तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। और यदि हम लिथियम का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 3 होगी, तो इसका हो जाएगा 2, 1। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के बायकोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा तो बताएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के बायकोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि आपसे पूछ लिया जाए लिथियम के बायकोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि बायकक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। बायकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और बेरिलियम का करते हैं 4 का, तो क्या हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा। फिर बोरान का करेंगे क्या हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। कार्बन का करेंगे क्या हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा। तो इसके बाद उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया, 4 इलेक्ट्रॉन आया। नाइट्रोजन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का करेंगे कितना हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा। तो बायकोष में इसके कितने, बायोकोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 6 इलेक्ट्रॉन। यदि हम फ्लोरीन का करें तो क्या हो जाएगा, 2, 7। तो इसके बाय कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 7 इलेक्ट्रॉन आया। ये बाय उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 7। नियान का करेंगे तो कितना आएगा, 2, 8 हो जाएगा। ऐसे सोडियम का करेंगे तो 2, 8। अब 8 के बाद यहाँ आगे भरेगा, आगे कक्षक में भरेगा, कक्षा में। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बायकोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 1 होगा। ऐसे मैग्नीशियम का कर लेते हैं, क्या होगा, 2, 8। और इसमें परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। तो अभी 2, 8, 10 हुआ, तो यहाँ कितना जाएगा, 2 जाएगा। और यदि हम एल्युमिनियम का करें तो क्या हो जाएगा, 2, 8। और कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है हमें, 13 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 8 और 2, 10 हो गया, 3, 13 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्य कक्षक में, बाह्य उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 13 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आइए सिलिकॉन का देख लेते हैं, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8। और इसमें कितने परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, 14। तो 2, 8, 2, 10 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे फास्फोरस का करेंगे क्या हो जाएगा, 2, 8, 5। तो इसके बायकोष में कितना, बायोकोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 5 इलेक्ट्रॉन आया। बाय कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 5 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और कितने इसमें, यहाँ पर होगा 16। कितने इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 8, 10 और 6, 16 हो जाएगा। और क्लोरीन का करेंगे तो कितना आएगा, 2, 8, 7 आएगा। इसी प्रकार यदि हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा, 2, 8, 8 आएगा। अब इसके बाय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या भरेगा आगे, अब आगे भरेगा पोटेशियम में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या आएगा, 2, 8, 8, 1 हो जाएगा। और कैल्शियम का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 20 इलेक्ट्रॉन में भरना है इसमें। तो 8, 2, 10, 8, 18 और 2, 20। ये हुआ सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आइए समझते हैं कैसे हम निकालेंगे उसकी बैलेंसी। मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब उसके सबसे पहले देखेंगे बाय उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो बाय कक्षा में, यदि
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें उसके बाह्य कक्षा में एक से चार तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है तो उसकी आक्सीकरण संख्या और वैलेंसी वही हो जाएगी। क्या देखें, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें उसके बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आए एक, यदि हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें उसके बाह्य कक्ष में एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बाह्य कक्ष में तो उसकी बैलेंसी क्या होगी, एक ही होगी। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीकरण और बैलेंसी वही होगी। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें और उसके बाह्य कक्ष में एक से चार तक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी बैलेंसी और ऑक्सीकरण संख्या वही हो जाएगी। जैसे मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने किया और उसके बाद उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी बैलेंसी कितनी होगी, एक होगी और ऑक्सीकरण संख्या भी एक ही होगी। ऐसे हीलियम का यदि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया उसके बाद उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया, दो इलेक्ट्रॉन, तो उसकी भी बैलेंसी और संयोजकता क्या होगी, दो ही होगी। इसके बाद उसमें भी लिथियम के एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसकी बैलेंसी और ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, एक ही होगी। एक से चार तक अगर बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी क्या होगी, वही हो जाएगी। कार्बन का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें और उसकी उसका बाह्य कक्ष देखें तो उसके बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आया, चार इलेक्ट्रॉन, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी भी क्या होगी, चार होगी। यदि आइए हम देख लेते हैं, यदि चार से ऊपर बाह्य कक्ष में यदि चार से ऊपर इलेक्ट्रॉन आए, चार से ज़्यादा पाँच छः सात आठ आ जाते हैं, तो आइए समझते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसी क्या होगी। तो ऑक्सी बैलेंसी के लिए पहले देख लेते हैं संयोजकता के लिए, संयोजकता के लिए यदि बाह्य कोष में पांच इलेक्ट्रॉन आता है, छः सात या आठ आता है, तो यदि पांच इलेक्ट्रॉन आ जाए बाह्य कोष में तो उसकी बैलेंसी क्या होगी, उसकी बैलेंसी हो जाएगी थ्री हो जाएगी। यदि किसी तत्व के बाह्य कोष में पांच इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी बैलेंसी क्या होगी, थ्री होगी। यदि छः इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसकी बैलेंसी क्या होगी, टू होगी। बाह्य कोष में किसी तत्व का, जैसे बाह्य कोष में किसके छः इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सल्फर के बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, छः इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बैलेंसी कितनी आएगी, दो आएगी। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और किसी तत्व के बाह्य कोष में सात इलेक्ट्रॉन आ जाए, सात इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी संयोजकता क्या होगी, वन होगी। बाह्य कोष में सात इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी संयोजकता क्या होगी, वन हो जाएगी। और यदि हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें उसके बाह्य कोष में आठ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी संयोजकता क्या होगी, जाएगी जीरो हो जाएगी। जैसे आइए समझ लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन तक मैंने यहाँ तक बता दिया था, यदि सात इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक मैंने विन्यास किया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, नौ होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया उसके बाद उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया, सात इलेक्ट्रॉन, तो सात इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से आप जान जाएंगे कि यदि बाह्य कोष में सात इलेक्ट्रॉन आए तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। यदि किसी तत्व के बाह्य कोष में आठ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी संयोजकता क्या होगी, जीरो हो जाएगी। छः पे दो होगा, सात पे एक होगा और आठ पे जीरो हो जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसके बाद उसमें एक से चार तक इलेक्ट्रॉन ही केवल आए तो उसकी संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या एक से चार तक ही होगी। अब आइए ऑक्सीकरण संख्या और ट्रिक से समझ लेते हैं और बैलेंसी निकालना। यदि हम क्या करें, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें उसका बाह्य कोष ही देखा जाएगा, यहाँ पर एट माइनस वन एक रूल होता है, एट माइनस एन ये होता है संयोजकता के लिए, संयोजकता ये संयोजकता के लिए है। और यदि हम एन माइनस एट कर दें तो किसके लिए होगा, ऑक्सीकरण संख्या के लिए, ऑक्सीकरण संख्या यह बैलेंसी और यह ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। यदि हम क्या करें, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें और उसके बाद उसमें चाहे जो इलेक्ट्रॉन आए तो इसमें यदि मान हम पुट करेंगे 8 माइनस एन में तो उससे क्या निकलेगी, संयोजकता निकलेगी। यदि एन माइनस एट में पुट करें तो क्या निकलेगी, ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी। और यहाँ पर पहले समझ लेते हैं एन क्या है, जहाँ
जहाँ यन बाह्य कोश में उपस्थित यहां पर जो यन लिखा हुआ है, यन क्या है, जहां बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यदि मैं जैसे समझ लेते हैं किसी तत्व का, तत्व के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी तत्व के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और उसकी हमें क्या निकालनी है, बैलेंसी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बैलेंसी निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 8 माइनस एन के लिए। तो 8 माइनस एन में रख देते हैं, 8 माइनस एन, ये संयोजकता का रूल है। तो यन जहाँ क्या है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो यन के जगह पर क्या लिख देंगे, जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यन की जगह पर उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सल्फर के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यन के जगह पर कितना पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 8 में से यदि हम 6 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। तो इसकी संयोजकता क्या आएगी, यही 2 क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, बैलेंसी हो जाएगी। तो चाहे यन क्या है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, बैलेंसी पता चल जाएगी। जैसे और किसी भी तत्व का देख लें, यहाँ पर नाइट्रोजन का देख लेते हैं बैलेंसी क्या होता है। तो पहले देखेंगे उसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसी रूल में रखेंगे, 8 माइनस एन, एन जहाँ क्या है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 8 माइनस कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। ये नाइट्रोजन का है और ये किसका था, सल्फर का था। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो नाइट्रोजन की जो संयोजकता आई वो कितना आई, 3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी आई, 3 आई। अब आइए ऑक्सीकरण संख्या समझ लेते हैं। यदि हमें किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो उसका क्या देखेंगे, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। तो जैसे हम ले लेते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो ऑक्सीकरण के लिए कौन सा फार्मूला है, एन माइनस एट है, जहाँ एन क्या है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एल्युमिनियम में देखेंगे बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यहाँ से क्या कर देंगे, बाह्य कोश में 3 लिख दिया मैंने और माइनस 8, तो यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 5। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एल्युमिनियम 13 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 5 आया ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ आपने क्या देखा कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो माइनस में भी आ गई, और लेकिन जो बैलेंसी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव में आती है। संयोजकता हमेशा प्लस होती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो प्लस माइनस दोनों में आती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।